हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। जैसे कि कल मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि हम आज करेंगे न्यू ईयर सेलिब्रेट, जैसे कि आज 1 जनवरी, और 1 जनवरी को है साल का पहला दिन। तो आज हम आए हैं न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने। पहले मेरे कुछ और प्लान्स थे, आइडियाज़ थे कि हम पार्क जाएंगे, हम मूवी देखेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज हम कर लेते हैं हाई टी। और हमारे हाई टी के लिए तो ये है 14th Street के बिल्कुल पास, यम चाइनीज़ एंड थाई रेस्टोरेंट। ठीक है, हम आए फर्स्ट टाइम, तो अब काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। तो हमने थोड़ा जो रिज़र्वेशन सीट थी वो हमने थोड़ा सा वहाँ बैठ के हमने थोड़ा वेट किया कि थोड़ा क्राउड मतलब अपनी सीट्स पे आ जाएं, तो हम उसके बाद जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि मतलब आपको एक प्लेट लेनी होती है, आपकी टेबल पे रखी होती है, और आपको जो भी मतलब वहाँ खाने के काफ़ी आइटम्स होते हैं, जैसे स्वीट में भी होते हैं, सूप होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, कबाब्स होते हैं, बर्गर होते हैं, चाइनीज़ खाना भी होता है, इवन इंग्लिश खाना भी होता है। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने, पाकिस्तानी खाने भी मिलते हैं, आपको फ़ास्ट फूड भी मिलता है, यानी हर तरह के आपको खाने यहाँ पे अवेल होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हर तरह के खाने मौजूद हैं यहाँ पे। बहुत सी चॉइस होती है, ऑप्शन होते हैं काफ़ी कि आप कुछ भी सिलेक्ट करके आप खा सकते हैं। तो मैंने लिया थोड़ा सा जो है वो सीज़र सैलड लिया है, पास्ता लिया है, उसके बाद चना चाट लिए, और मैंने जो है साथ में अब मुझे ड्रमस्टिक नज़र आई तो अब मैं ले लूँगी ड्रमस्टिक, और अभी मैं ले रही हूँ एक सैंडविच। तो जो जो फेवरेट चीज़ें होंगी, आपके पास बहुत ऑप्शन होते हैं कि आप कुछ भी आप ले सकते हैं। तो थोड़े से लिए मैंने फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस, उसके बाद जो है वो साथ में मंचूरियन भी रखे हुए हैं। तो हम आज से मैंने कहा आप अपनी प्लेट भी ले, हम एक साथ जो है वो ले लेते हैं। अच्छा है, यहाँ पे गोलगप्पों का भी ऑप्शन है, और बहुत ही डिफरेंट। ये देखिए आपको क्राउड नज़र आ रहा होगा क्योंकि आज न्यू ईयर है, और बिल्कुल भी ये हाउस फुल था। 15 to 20 मिनट हमें भी वेट करना पड़ा है। देन अगर जो रिज़र्व करवा लेता है सीट, उसके लिए वेट नहीं करना होता, लेकिन हमारी सीट्स रिज़र्व नहीं थी, हमने आके रिज़र्व करवाई हैं, तो हमें मिली है फ़र्स्ट सीट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बैठ गए। हम दोनों ने अपनी जो प्लेट्स हैं वो अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें, यानी कि हमने एक प्लेटर बना ली है। और देखिए मैंने जो है वो जैसे आपको बताती थी, थोड़े से चौमिन लिए हैं, थोड़े से जो है वो सीज़र सैलेड लिया है, ड्रमस्टिक लिए है, साथ में चाइनीज़ राइस लिए हैं, और साथ में जो है वो मिंट मार्गरीटा इनका होता है, ये मतलब आपको देते हैं अगर आपको 2 से ज़्यादा चाहिए होते हैं तो उसके चार्जेस ये होते हैं। और साथ में जी पिज़्ज़ा भी लेके आया हमाद, और मुझसे तो खाया नहीं जा रहा, इतने ऑप्शंस देख के भी पेट फुल हो जाता है। अच्छा जी, अगर आपको पानी चाहिए होता है तो वो आप एक्स्ट्रा पानी ले सकते हैं स्मॉल, या आपको लार्ज बॉटल चाहिए होती है तो उसके चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं। बाकी आप जो भी खाना खाएंगे, सूप पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, आप स्वीट में कुछ लेंगे, तो उसका उसके लिए जो है वो आपका हाई टी में चार्ज होगा। और लास्ट में मैं आपको इसका बताऊंगी कि आपको कितना चार्ज करना होता है। ये देखिए ये बर्गर हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ खाने आते हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पहले मैंने बाकी बुफेट वगैरह हाई टी तो ट्राई की हुई है, लेकिन यहाँ मैं आई हूँ फ़र्स्ट टाइम, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं। और पिज़्ज़ास भी यहाँ बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बड़े टेस्टी हैं, मैं खुद भी मतलब, और आपको हर चीज़ यहाँ फ़्रेश मिले क्योंकि वो ऑलरेडी फ़्रेश होती है, गर्म हो रही होती है। तो आपको मैं लास्ट में प्राइस भी शेयर करूंगी और यहाँ की लोकेशन भी शेयर करूंगी, और आप आराम से 2.5-3 घंटे बैठ के ईज़िली खाना खा सकते हैं। अभी हम आज भी प्रॉन्स लेके आए हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना ये भी कॉन्सेप्ट है कि आप पाकिस्तानी खाना भी है और आउट बाहर का खाना भी है, तो ये इसको मैंने कहा प्रॉन्स ट्राई ना करो, तो ये जो सी फूड है, क्योंकि सी फूड नहीं पसंद होता, नहीं खाते हम लोग ज़्यादातर, तो इसने वो ट्राई किया और अब ये छोड़ दिया इसने। तो इसने देखा वहाँ ज़्यादातर लोग इसको यूज ले रहे थे खाने के लिए, तो इसने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, लेकिन मैंने इसको मना किया था कि सी फूड नहीं लेना। और ये देखें इसका टेस्ट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब पाकिस्तानी खाने से अलग होता है। ठीक है, और बाकी भी काफ़ी क्राउड है आज, क्योंकि आपको बताया मैंने कि आज जो है न्यू ईयर है, और ये इसने साइड पे कर दिए हैं। अभी कहते हैं फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ कि ये है क्या चीज़, लेकिन मैंने इसको कहा है कि ये ना खाओ, तो अब देखें ज़रा इसे। देखा ना, मैंने इसको मना भी किया था कि ये ना खाए, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि गाइस यहाँ पे ना 3 to 4 टाइप्स के खाने हैं, मतलब पाकिस्तानी खाने हैं, चाइनीज़ खाने हैं, या थाई में भी आपको मिलता है, यानी डिफरेंट किस्म के खाने, तो इसलिए आपको जो है वो लेना चाहिए जो सूटेबल हो, ठीक है। और अब मैं आई हूँ स्वीट्स वाली साइड पे, तो ये गरम गरम गुलाब जामुन है, उसके बाद पेस्ट्रीज़ हैं, ये केक्स बने हुए हैं, मतलब डिफरेंट किस्म की स्वीट हैं, आप उनको ले सकते हैं, खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन और कुछ भी आप खा सकते हैं अगर आप जाएं तो। गाइस डोनट्स हैं बच्चों के लिए, और मैंने लिए गुलाब जामुन, साथ में लिया रेड वेलवेट केक, उसके बाद ये एक मैंने डोनट लिया है, हमाद के लिए लेके आई हूँ, लेकिन उसको उसने नहीं खाया। और मैं अब आई हूँ सूप पीने, सूप ट्राई करने। गाइस एक्चुअली हम थोड़ा थोड़ा ट्राई करें, हमें आइडिया हो जाए कि खाना यहाँ का कैसा है, और नेक्स्ट अगर हम कोई बर्थडे पार्टी करें या कुछ भी करें तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ आ जाए, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत कंफर्टेबल और बहुत इजी और बहुत ज़बरदस्त है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मैंने अच्छी बात देखी, यहाँ पे बड़ी पढ़े लिखे लोग थे, लोग आए हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे, बड़ी फैमिलीज़ आई हुई हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज़ आई हुई हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग मौजूद होते हैं, ठीक है। ये देखिए गाइज़ इनकी ये बाहर का इन्वायरमेंट है, और एज़ यूजुअल इनका इसी तरीके का इन्वायरमेंट होता है, ये सिर्फ इन्होंने न्यू ईयर के लिए नहीं किया हुआ, ये वैसे भी आम रूटीन में भी ऐसे ही होता है, तो आप जाएं इंजॉय करें। तो अच्छा मुझे एक काम है, खाड़ी से मुझे एक ड्रेस लेना है जो कि मुझे गिफ्ट के लिए गिफ्टिंग करनी थी। हाँ, आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि हमें अपने एक व्लॉग में गिफ्ट भी रखेंगे, तो मुझे एक लेडीज़ ड्रेस लेना था, तो वो हम लेने जाएंगे खाड़ी से। अच्छा उसका मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने गिफ्टिंग कैसे करनी है, अभी हम जाएंगे खाड़ी से ड्रेस लेने। तो अब हम पहुंच चुके हैं खाड़ी में, तो मुझे लेना है विंटर स्टफ़ में, यानी कि सर्दियों के स्टफ़ में कपड़े लेने हैं, सूट लेना है एक, जो कि हम अपने व्लॉग में गिफ्टिंग करेंगे, अपने चैनल में गिफ्टिंग करेंगे, और जो कॉमेंट करेगा कंटिन्यूसली, लाइक करेगा, सबसे पहले उसको मिलेगा गिफ्ट। अगर कोई मर्द हजरात भी गिफ्ट सॉरी कमेंट कर रहे होंगे या लाइक कर रहे होंगे, तो वो भी ये उनको भी यही गिफ्ट मिलेगा, वो अपनी वाइफ को दे सकते हैं, अगर वाइफ नहीं है तो अपनी अम्मी को दे सकते हैं, मतलब इस तरीके से। लेकिन परचेज जो है हम लेडीज़ सूट करेंगे, अगर फ़ीमेल जीतेगी तो वो फ़ीमेल के लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो गाइस अब ले लिया हमने ड्रेस, और उसके बाद ये ज्वेलरी साइड पर आई हूँ, मुझे ये ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है जो स्टैचू पे इस लड़की ने पहना हुआ है, ठीक है। गाइस होप यू लाइक माय वीडियो, होप यू लाइक माय चैनल, और अगर आपको ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा हो तो बहुत ज़बरदस्त है गाइस, मैंने पहले भी ट्राई किया मैं बाकी, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगा। इनका एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छे लोग थे, मतलब कंजर्वेटिव मतलब नहीं लगा मुझे एनवायरनमेंट, अच्छा लगा है। तो आप भी जाएं इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, इस तरह जैसे आज न्यू ईयर था, इस तरह के जो मोमेंट हों वो बिल्कुल वेस्ट ना जाने दें, इंजॉय करें। और अब जो है हम बिल कराने के बाद चले जाएंगे घर, एंड कल वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हमने गिफ्टिंग कैसे करनी है, और एक और चीज़ भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो भी एक सरप्राइज़ है, वो भी आप लोगों को एक नई चीज़ शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और दुआएं कीजिएगा बहुत ज़्यादा अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।